हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि पहले बॉस ऑफ इंडिया बाजार हुआ करता था इन्वेस्ट फॉर एवर अब चैनल का नाम हमारे चेंज हो चुका है सो डोंट बी कंफ्यूज एंड इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक कंपनी की जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है दैट ही इज द किंग ऑफ द इंडस्ट्री जिस बिजनेस में जिस सेगमेंट सेगमेंट में वो काम करता है उसका वो किंग है और वो किंग की पदवी कभी छोड़ना भी नहीं चाहता आज उसी से रिलेटेड बातें करेंगे अपर सर्किट लगता हुआ लगभग नजर आया है अपर सर्किट तक पहुंच गया था फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया बट कोई इशू नहीं है एक अपॉर्चुनिटी और बहुत बेहतरीन उसका चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा खासा गेन फ्यूचर में आपको देता हुआ नजर आएगा तो वीडियो की डे well की बात की जाए यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर मारुति सूजू जिसके टेन के टारगेट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं जाके वीडियो को देख लीजिएगा टेक्निकल सीखने का मौका मिलेगा एज वेल एज आपको बहुत सारी चीजें सीखने की यहाँ पर नॉलेज लेके करोगे ना तो आपको पैसा बनेगा क्योंकि इसमें तो आपको बताया कि कैसे हमने यहाँ पर कल के वीडियो में बताया था किस तरीके से एक महीने में दो शेयर में तीस तीस परसेंट के रिटर्न कमाए यहाँ पर मारुति सुजुकी में बताया कि मुद, आ, मुद, आ, मदरसन सोमी में कैसे एक सप्ते में दस परसेंट के रिटर्न कमा लिए जुबिलेंट इंग्रीविया में आ, दो सप्ते के अंदर अंदर बीस के रिटर्न कमा लिए तो आपको पता चलेगी और आप समझ पाओगे की एक पीछे की स्टडी है पीछे की स्टडी केवल स्टडी है कि जो हम स्टडी करते हैं वो आपको डिलीवर तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े यहाँ पर दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराए खुद भी सब्सक्राइब करे शेयर करें इस वीडियो को हमारे चैनल को रिकमेंड करें वीडियोस को लाइक और कमेंट करें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नीचे कमेंट करिए तो आपको उसको उस भी समाधान दिया जाएगा तो वीडियो की तरफ चलते हैं रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले रिजल्ट ये इन मिलियंस में है और देखते हैं यहाँ पर तो देखिए ये जो टोटल इनकम है 28280 मिलियंस इन रुपीस इससे पहले 27000 इससे पहले 24000 मिलियंस इन रुपीस ईयरली क्वार्टरली बेस जंप इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्टिंग कम कहां पर आती है इंटरेस्टिंग कम बैंक या फाइनेंस सेक्टर में आती है तो हमेशा याद रखना तो ये इसी कैटेगरी का स्टॉक है सत्ताईस हजार आठ सौ नब्बे पहले सत्ताईस हजार एक सौ अड़सठ इससे पहले तेईस हजार पांच सौ छह तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर भी न, यहाँ पर भी जंप है अच्छी खासी एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी लगभग कंट्रोल में है और यहाँ पर रेवेन्यू बढ़े और एक्सपेंस लगभग पिछले क्वार्टर के बराबर ही है इससे इससे पहले पहले था मिलियन से रुपिस था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस थोड़े से बढ़े बट क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट नजर आ रहे हैं और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो 9956 बिलियन रुपए से पहले 9013 से पहले 8751 ईयरली बेस हमेशा ज्यादा कंपेयर किया जाता है बट क्वार्टरली बेस भी अगर अच्छे नंबर आ जाए तो आ, कहते हैं ना क्या कहते हैं चारों हाथ गीमे होना इस तरीके से हो जाता है चारों सारी पांचों इंगे होना इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए ईयरली बेस पे तो इेस पर अच्छा खासा जंप है हैली बेस पे भी यहां पर जंप है तो जो कि हमें इसके ईपीएस की बात कर रहे चौबीस रुपए इक्यासी पैसे का ईपीएस है चौबीस रुपए बहत्तर पैसे का ईपीएस है इससे पहले बीस रुपए का ईपीएस है तो ईयरली क्वार्टरली बेस कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट पेश करे और कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है मुथूत फाइनेंस जो कि आपको देखी गया होगा हम हा इसी की बात कर रहे हैं मुथूत फाइनेंस की जिसने बेहतरीन रिजल्ट पेश करे है एज वेल एज आज के दिन में 8.88 परसेंट का जम दिखाया है लगभग अपर सर्किट तक पहुंच गया था बट यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट तो यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन और शायद यहाँ पर यह शेयर आगे चल के और अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा इसके पीछे रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा बात करें छह महीने की तो एक कंसोलिडेशन पीरियड पे तो हमने आ, पहले जब शेयर भागा था एक साल पहले की बात करें एकदम बॉटम से चार पांच सात सौ सौ से भागता हुआ नजर आया था बहुत सारे लोगों ने लिया और यहाँ पर ट्रैप हो गए थे आज की डेट में वो खुश हो रहे होंगे कि कि हम निकल गए बट मैंने पर पर एवरेज मैं भी फंस गया था टू बी वेरी और यहाँ मैंने एवरेज कर करके करके इस शेयर को नीचे लेके आया और नीचे लेके आने के बाद मैंने यहाँ पर दो तीन बार शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग करके मैंने और मेरा एक फ्रेंड है उसने भी अच्छा खासा यहाँ पर पैसा इसी शेयर से दो तीन बार पोजिशनल ट्रेडिंग जब भी नीचे आया खरीदा फिर बेचा फिर नीचे आया फिर खरीदा फिर बेचा इस तरीके से करके पैसा हमने थोड़ा बहुत कमाया तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस बेहतरीन शेयर है इसका चार्ट बता रहा है कि इसके टारगेट क्या है बहुत ऊपर के टारगेट आ रहे हैं एन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एन एस पे यहाँ पर एट सिक्सटी फर्स्ट जून को दो में यहाँ पर फिफ्टी वीक लो था और आज के दिन फिफ्टी वीक हाई मारा है इसने सेकंड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी नाइन तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया जो क्लोज कितने पे हुआ है पच्चीस

उसी टाइम भी खरीदा था और अच्छा खासा मैं, मैं तो ही निकल गया था टू बी वेरी फ्रेंड अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था निकल गया अब नीचे दोबारा आ सकता है आएगा या नहीं देखते हैं बट आएगा और एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा ऐसे अकोमोडेट करेंगे मुथूत फाइनेंस करता क्या है गोल्ड का बिजनेस है आपसे गोल्ड लेता है और यहाँ पर पैसे सिंपल आपको पैसे दे देता है और बात करें इनकी सर्विसेज की तो इनकी सर्विसेज भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी इनकी सर्विसेज है और 800 हंड्रेड इस ऑफ फैमिली बिजनेस लेगेसी है और यहाँ पर देखिए गोल्ड के बिजनेस में है एन से कहा जाता है और अच्छा खासा पर देखिए पर्सनल लोन हाउसिंग फाइनेंस इंश्योरेंस गोल्ड कॉइन मनी ट्रांसफर फॉरन एक्सचेंज ये सब के सब बिजनेस ये प्रोवाइड करते हैं जो कि लीडिंग बिजनेस है और गोल्ड के लोन गोल्ड लोन में तो यहाँ पर ये वर्ल्ड के नंबर वन है इस बात को याद रखिएगा एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर ये हेल्थ केयर रियल स्टेट यहाँ पर सब चीजों में

कैश इक्ट अच्छा खासा है मतलब सब चीज यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है और यहाँ पर अभी अपडेट हो जाएगा कि इनका कैश फ्लो भी किस तरीके से है एज एज वेल बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेवेंटी होल्डिंग है जो company, जो कंपनी बेचना ही नहीं चाहते परसेंट की बात करें 16 की हिस्सेदारी पर बढ़ा दी है बात करें डी की डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी छह की रखी है गवर्नमेंट की बात करें कोई नहीं है बट पब्लिक, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास शेयर ही नहीं है चार परसेंट के शेयर है केवल पब्लिक के पास बाकी सारे शेयर एफ आई प्रमोटर्स यहां पर बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है और चार परसेंट में भी रिटेल इन्वेस्टर दो तीन परसेंट ही होंगे यहाँ पर एच एन आईज होंगे ना उन्होंने ही ले रखा होगा तो जहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है ना वहाँ पर लिया जाता है आप एक फैक्टर बताता हूँ जब हम बात करें यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं यहाँ पर आ जाते पहले चार्ट पैटर्न की तरफ तो देखिए यहां पर जब ये शेयर गिरता हुआ नजर आया था यहां पर आ गया था फिर इसके बाद जब नीचे गिरा था पेंडामिक आया था, था गोल्ड के रेट बढ़े थे गोल्ड के रेट बढ़े थे तो ये शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आया था और यहां पर चला गया था फिर इसके बाद गोल्ड के रेट थोड़े से डगमगाए थे तो नीचे आ गया दोबारा गोल्ड के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते जाएंगे बॉन्ड ही कम होती जाएगी ओके तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी गिरती हुई नजर आई तो गोल्ड में पैसा आना शुरू हुआ जब गोल्ड में पैसा आना शुरू हुआ तो गोल्ड का भंडार है इनके पास मुथूत के पास तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर और ऊपर जाता था हुआ नजर आ सकता है और इसके जो टारगेट नजर आ रहे हैं इसमें एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए यहां पर ये इसका ऑल्ट मतलब ऑल टाइम हाई के यहां पर था पहले जिसे आज के दिन इसने क्रॉस कर दिया फिफ्टी टू वीक हाई बना दिया और यहां पर अगर चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है एक ये और एक ये और जिस जो है कि यहाँ पर इसने क्रॉस भी कर दिया है अगर बात करें थोड़ा सा अगर गिरता है तो कोई परेशानी नहीं है फिर और बेहतरीन चार पैटर्न शायद और बनाता हुआ नजर आए बट कोई इशू नहीं है यहाँ पर से से अगर बात करें इधर से भी अगर हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर टारगेट क्या आ रहा है तो यहाँ पर टारगेट आपके सामने है कि ये यह टारगेट यहाँ से नीचे से उठाए इसे टेक्निकल इस तरीके से अगर ये टेक्निकल होता है ट्रेडिशनल चार पैटर्न होता है इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टारगेट क्या आ सकता है तो गोल्ड का रेट अगर गोल्ड की डिमांड और बढ़ती गई तो यहाँ पर टारगेट आ रहा है के आसपास पे शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है और बात करें कितना परसेंट का अपसाइड दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ले तो यहाँ पर ये देख लीजिए लगभग लगभग छब्बीस परसेंट सत्ताईस परसेंट का यहाँ पर गेन हमें साफ नजर आ रहा है तो 26 से 27 परसेंट अठारह सौ रुपए का टारगेट यहाँ पर साफ निकलता हुआ आ रहा है स्टॉक का नाम है मुथूत फाइनेंस बट आपको से की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कुछ पोजीशन लीजिएगा मैं यहाँ से एग्जिट हो गया हूँ बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर गिरा कंसोलिडेट करता हुआ हम दिखा तो मैं इसे खरीदूंगा बट अभी इस टारगेट की बात करें तो ये टारगेट मुझे छह महीने के अंदर अंदर आता हुआ नजर आ रहा है कि छह महीने के अंदर अंदर ये शेयर आपको अट्ठारह रुपए के आसपास मिलता हुआ नजर आएगा बट खुद की स्टडी करनी है फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है क्योंकि आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर ओके बट आई एम आई एम द एन सर्टिफाइड तो मैं इसलिए आपको ये शेयर किसी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक like कमेंट शेयर करिए ओके okay, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए न्यू लोगों को भी जोड़िए उन्हें भी यहाँ पर पता चलेगा इस तरीके से स्टडी करोगे चार्ट पैटर्न देखोगे इसके फंडामेंटल्स देखोगे इसका बिजनेस मॉडल देखोगे इसके बैलेंस शीट देखोगे ओके okay, यही पार्ट्स रहते हैं किसी भी शेयर में और ये यहाँ पर देखोगे ऑल टाइम हाई जब क्रॉस कर दिया है ऑल टाइम हाई जब भी क्रॉस कर करता है तो शेयर फिर भागता हुआ नजर आता है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक हमें शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस